की मौत मरेगा, दर्द लगी दर्द चलेगा, वैसे की मौत मरेगा, रोटी रोटी दर्द के मोर्चे के आह्वान पर जो हड़ताल चल रही है 17 सितंबर से, आज 18 दिन हो गए हैं, पूरे राजस्थान में ये हड़ताल चल रही है। एक भी गाड़ी का कोई संचालन हो नहीं रहा है, मुकम्मल हड़ताल है। और 25 जुलाई से 27 जुलाई तक जो हमारी हड़ताल रही, संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर 27 जुलाई को यूनुस खान के अध्यक्षता में फैसला हुआ। केवल हमारे संयुक्त मोर्चे की यही डिमांड है कि जो 27 जुलाई को फैसला हुआ उसको लागू किया जाए। सरकार लिखित समझौते से मुकर रही है, पीछे हट रही है और वो पूरे रोडवेज कर्मचारियों को धोखा तो दे ही रही है, साथ साथ हमारे प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता को भी वो धोखा दे रही है, क्यों पब्लिक भी बहुत ज़्यादा परेशान है और पूरी पब्लिक का हमारे आंदोलन के साथ में सपोर्ट है। बहुत सी दूसरी सामाजिक संस्थाएं हैं और विकास समितियां हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं जो हमारे आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं। जिन लोगों को हम रियायती दर पर यात्रा कराते हैं वो भी हमारे आंदोलन का सपोर्ट कर रही हैं। अभी हमारे संयुक्त मोर्चे ने ये भी फैसला लिया है 6 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं अजमेर आ रहे हैं, वहाँ भी हमारे लोग कम से कम 10,000 की संख्या में पहुँच के वहाँ पर उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम उनको काला झंडा दिखाएंगे। हड़ताल का आज 18वां दिन है। सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन बनी हुई है। जो समझौते को लागू करने की कार्रवाई की जानी चाहिए वो करने के बजाय मंत्रिमंडलीय कमेटियां बना करके नौटंकी जिस तरह की कर रही है वो किसी भी तरह रोडवेज कर्मचारियों के गले नहीं उतर रही है। हमारा समझौता तो 27 जुलाई को ही हो चुका, हमारा कोई नया मांग पर नहीं है। अब तो उसके आदेश जारी करने की बात है, उसके वित्तीय स्वीकृति जारी करे, प्रशासनिक स्वीकृति जारी करे और रिटायर्ड कर्मचारियों की तो यह हालत हो गई। 15 अगस्त से लेकर के आज तक के 3,500 से ज़्यादा लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा, लोग दर दर भटक रहे हैं, पूरा हड़ताल जाम है, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है, पूरा कर्मचारी त्रस्त है। ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 17 सितंबर से शुरू ही प्रदेशव्यापी चक्का जाम हड़ताल का आज 18वां दिन है। 4,716 बसें पूरे राजस्थान में इनका संचालन रुका पड़ा है। 10 लाख यात्री रोजाना इन बसों में सफ़र करते हैं। इस हड़ताल के कारण ये 10 लाख यात्री रोडवेज की बेहतर और सुरक्षित बस सेवा से, परिवहन सेवा से वंचित हो रहे हैं। 5,33,00,000 रुपए का रोजाना जो राजस्व आता था वो हो नहीं रहा है, लगभग ये 100 करोड़ के आसपास नुकसान पहुंच चुका है। और ये हड़ताल होने का कारण एक ही मात्र है, हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं सरकार से, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जुलाई में 25 से 27 जुलाई तक जो 3 दिन की हमने हड़ताल की थी उसमें जो लिखित समझौता आपने लागू किया, 7वां वेतन आयोग देने का, 1,000 नई बसें देने का, 8,000 पदों पर नई भर्ती करने का और 3,500 कर्मचारियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान करने का, उस लिखित समझौते को लागू करिए। आइडिया नहीं है अभी, लेकिन काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा है। आज हम आगरा से आए एग्ज़ाम देने के लिए रेलवे का, लेकिन वहाँ भी हमें आधे घंटे से ज़्यादा वेट करना पड़ा रेलवे स्टेशन के पास में। यात्रियों को परेशानी काफ़ी है, घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, सुविधाएं पूरी मिल नहीं रही, इमरजेंसी काम हो तो 2 घंटे लेट हो जाते हैं। अच्छा। बहुत इंतज़ार करना पड़ा, साधन के लिए परेशानी चाहिए, बैठे ही जाओ। अब कोई मान लो सिकंदरा का 100 मांगे थे, कोई मान लो 50 में भी ले जाओ उतारे थे, अब इतनी परेशानी चल रही है।